अव्वल पाकिर जनरल अब्दुद्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है, एक शानदार वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कलाम ने मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में 40 से अधिक वर्ष बिताए। वह भारत के सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ निकटता से जुड़े थे। लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। सन 1998 में उन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के तीर्थ नगरी रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी माँ आशियाम्मा एक गृहिणी थी और उनके पिता जैनुलाबुद्दीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वह 4 बड़े भाई और 1 बहन के साथ परिवार में सबसे छोटे थे। हालांकि कलाम का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन सभी बच्चों को एक ऐसे माहौल में पाला गया था जो प्यार और करुणा से भरा था। परिवार की आय को जोड़ने के लिए कलाम को अपने शुरुआती वर्षों के दौरान समाचार पत्रों को बेचना पड़ा। अपने स्कूल के दौरान अब्दुल कलाम एक औसत छात्र थे, लेकिन सीखने की तीव्र इच्छा थी और बहुत मेहनती थे। वह गणित से प्यार करते थे और इस विषय का अध्ययन करने में घंटों बिता देते थे। कलाम ने सन 1954 में चवाटस हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ केवल 8 पद उपलब्ध थे। IAF की परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया था। एपीजे अब्दुल कलाम परिवार में सबसे छोटे बच्चे थे। वह अपने माता पिता खासकर अपनी माँ के बहुत करीब थे और उनके सभी 4 बड़े भाई बहनों के साथ उनके मधुर संबंध थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने अपने भाई बहनों और उनके विस्तारित परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। वह एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे जो एक सरल जीवन शैली जीते थे। उनके पास कुछ संपत्ति थी जिसमें उनकी प्रिय वाणी और पुस्तकों का संग्रह भी शामिल था। उनके पास टेलीविजन भी नहीं था। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपनी इस्लामी प्रथाओं के अलावा हिंदू परंपराओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने न केवल रोजाना नमाज पढ़ी और रमजान के दौरान उपवास किया। 27 जुलाई सन 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में एक व्याख्यान देते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें बेथानी अस्पताल ले जाया गया। शाम 7:45 पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि हुई और उनका स्वर्गवास हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली, फिर मदुरई और अंत में रामेश्वरम ले जाया गया, जहां उन्हें 30 जुलाई सन 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पेई करम्बू मैदान में रखा गया था। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री सहित 3,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। पुरस्कार और उपलब्धियां। कलाम को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्रमशः 1981, 1990 और 1997 के वर्षों में ये सम्मान प्राप्त किए। सन 1997 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्वारस रिसर्च सेंटर चेन्नई ने वर्ष 2000 में कलाम को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया। कलाम को 2007 में रॉयल सोसाइटी UK द्वारा राजा चार्ल्स द्वितीय पदक से सम्मानित किया गया था। 2008 में उन्होंने ASME फाउंडेशन USA द्वारा दिया गया हूवर मेडल जीता। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA ने कलाम को वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय वॉन क
कर्मन विंग्स अवार्ड प्रदान किया। आई ट्रिपली ने कलाम को 2011 में आई ट्रिपली मानद सदस्यता से सम्मानित किया। कलाम 40 विश्वविद्यालयों के मानद डॉक्टरेट के गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें 2003 और 2006 में एमटीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। दोस्तों, क्या आप कलाम साहब के प्रशंसक हैं? यदि हाँ तो कमेंट करके उनके जीवन का कोई प्रसंग जो आपने कहीं पढ़ा हो हमें बताएं। आप अगली जीवनी किसकी जानना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।